काटू का खाना खाने का अंदाज देखो, ये देख काटू खाना खा रही है, जब ख़त्म होएगा फिर इधर आएगी, मूछे भी हैं इधर, ये फिर वापस आ रही है। ये पड़ी है रोटी, देख मैंने रोटी गिराई है, पराठे के टुकड़े गिराए हैं यानी रोटी के, ये खा रही है, वो देख उधर दूर जाके खाती है, बहुत उत्साह है। ये बंदर की नानी भी है, दादी भी है, क्योंकि जितनी बंदर में शरारतें हैं ना, मैं बोलता हूँ उसकी भी ये दादी है, उससे भी ज़्यादा इसमें शरारतें हैं, और चूहे से भी ज़्यादा इसमें शरारतें हैं। रूप ये चूहे का है, लेकिन चूहे की इतनी दुम्ब ऐसी नहीं होती जैसी इसकी है, लेकिन चूहा तो भी जैसे चूहे कुछ नहीं छोड़ते ना, ऐसे ये भी कुछ नहीं, इसके दांत इतने तेज़ होते हैं ना, ये ना घास छोड़े ना गोश छोड़े ना रोटी अभी देख डाली है वो छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ती है, देख लो अभी देखिए ख़त्म होगी, अभी फिर ये वापस आएगी ढूंढती हुई, अभी देख इसकी हरकतें तू देख, ये देखिए मैंने पराठे के टुकड़े डाले, अभी फिर डरती है देख, ये देखिए खा रही है, ये दूर जाके खाती है, मेरे को कोई पकड़ ना ले, बंदर की तरह बहुत उस्ताद है। ये देख इसके मूछे भी देख जे, बिल्कुल चूहे की जैसी मूछे हैं, ये देख अभी इधर ही खा रही है, अभी इसका डर ख़त्म हो गया, अल्लाह की कुदरत सुभान अल्लाह, लेकिन उसके दांत इतने तेज़ है ना, पहले लोहा भी काट देते हैं ये लोग, ये ऊपर देख रहे हैं ना, अब ये पेंट हुआ हुआ है कलर, ये पेंट भी खा रही थी, अगले दिन मैंने देखा, मैं वीडियो बनानी चाहिए, जब तक मैं मोबाइल लेके आया तो ये भाग गई, मैंने बोला बहुत उस्ताद है। ये भी पता नहीं है नर है ये मादी है, लेकिन अब मैं इसको गेलड़ काटो कहने, ऐसे गेलड़ कहने या काटो कहने, आपकी जबान जी बहुत उस्ताद है। देख इसके खाने के तरीके, देखो दो हाथ नीचे रखे हुए हैं, चूहे की तरह बैठती है और दो हाथों से खा रही है, अगर वैसे ये ख़त्म, अब कवों को नहीं खाने दे रही है, देखो कवा बैठा है बेचारा, वो काएँ काएँ कर रहा है, लेकिन यही देख सारा काम नहीं बैठ रही है, रहती है परिंदों की तरह है। इसका घर मैं आपको दिखाऊंगी, सर ये मेरे करीब ही है इसका घर, ये था इसका घर, देख रहे हैं आप, ये नजर आया देख, ये इसका घर है।